प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खातों में सीधा फाइनेंशियल सहायता पहुंचाने का उद्देश्य मोदी सरकार का एक इम्पोर्टेंट कदम है। इस योजना का उद्देश्य देश के छोटे और मार्जिनल फार्मर्स यानी कि जो सीमांत किसान होते हैं उनको इकोनॉमिक सपोर्ट पहुंचाना है ताकि वे अपनी खेती से जुड़े हुई जरूरतों को पूरा कर सकें और उनके परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार हो। अब तक इस योजना के अंतर्गत करोड़ों किसानों को लाभ मिला है और इसे एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए एक इम्पोर्टेंट पहल माना गया है। अब जिसको नहीं पता उसको मैं बता देता हूँ, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है क्या। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है जिसका उद्देश्य देश के सारे छोटे और सीमांत किसानों को फाइनेंशियल सहायता प्रदान करना है। इसके तहत एलिजिबल किसानों को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है जिसे 3 किस्तों में सीधा के अकाउंट में जमा किया जाता है। इस योजना का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है यानी कि जो प्राथमिक उद्देश्य है वो किसानों की आय को बढ़ाना है, उनके कृषि में इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करना है और उनकी आर्थिक स्थिति को और ज्यादा मजबूत बनाना है। 19वीं किस्त की जो डेट है अगर उसके बारे में बात करें तो हाल ही में इस योजना की 19वीं इंस्टॉलमेंट यानी कि 19वीं किस्त की डेट की अनाउंसमेंट कर दी गई है। इसके अनुसार जनवरी के पहले हफ्ते में किसानों के खातों में ये किस्त जमा की जाएगी। सरकार की तरफ से ये आश्वासन दिया गया है कि ये किस्त समय पर किसानों तक पहुंच जाएगी और इस बार 5 जनवरी के आसपास तक किस्त जमा की जाएगी। हरियाणा जैसे कि कृषि प्रधान राज्यों के लिए ये किस्त विशेष रूप से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ के किसानों की जो निर्भरता है वो मेन रूप से कृषि पर है और इस तरह की जो आर्थिक सहायता है उन्हें बहुत ज्यादा राहत मिलेगी। और हरियाणा सरकार और पीएम की जो किसान स्कीम है इसके संबंध के बारे में बात कर लेते हैं। हरियाणा में हाल ही में जो इलेक्शन हुए हैं उन इलेक्शंस के दौरान इस योजना की 18वीं इंस्टॉलमेंट यानी कि 18वीं किस्त जारी की गई थी। चुनाव के टाइम पर किसानों के खातों में धनराशि जमा करने से ये एक मैसेज भी गया है कि सरकार किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बना रही है और उन्हें लगातार सपोर्ट कर रही है। इस तरीके से 19वीं किस्त के बारे में भी अब चर्चा की जा रही है कि इसे टाइम पर जारी किया जाएगा ताकि हरियाणा के किसानों को इसका लाभ मिल सके। पीएम किसान स्कीम के ऊपर कुछ मेजर अपडेट्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। सरकार के द्वारा पीएम किसान स्कीम के अंतर्गत कुछ इम्पोर्टेंट बदलाव और अपडेट जारी किए गए हैं। इस योजना का सबसे बड़ा अपडेट यही है कि अब से एक ही परिवार के एक सदस्य को ही इस योजना के तहत जो भी फाइनेंशियल बेनिफिट होता है या फिर जो भी आर्थिक सहायता होती है वो राशि मिलेगी। इससे पहले बहुत सारे परिवारों में एक ही राशन कार्ड पर बहुत सारे सदस्यों को किस्त प्राप्त हो रही थी लेकिन अब ये प्रावधान आया है कि केवल एक ही सदस्य को ही लाभ पाएगा। इस बदलाव का जो उद्देश्य है वो योजना की पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी और एक्चुअल बेनिफिशियर्स तक पहुंचना है। नए किसानों के लिए जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसके बारे में अगर बात करें तो पीएम किसान योजना में नए किसान रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस शुरू कर दी गई है। जिन किसानों ने अभी तक इस योजना के तहत अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है वे अपना फॉर्म भर सकते हैं। ये इंश्योर किया गया है कि जो भी किसान एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करता है वो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। नए किसानों के लिए ये स्पेशली यूजफुल होगी क्योंकि इस योजना का लाभ प्राप्त करने से उनके लिए एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में इन्वेस्ट करने की क्षमता बढ़ जाती है। EKYC लैंड सीडिंग और बैंक सीडिंग की प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। पीएम किसान योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए EKYC लैंड सीडिंग और बैंक सीडिंग मैंडेटरी है। EKYC और लैंड सीडिंग का जो उद्देश्य है वो किसानों की पर्सनल और लैंड डिटेल्स को वेरीफाई करना है। इस प्रोसेस को अब सिंप्लीफाई और ऑनलाइन अवेलेबल कराया गया है ताकि किसान बिना किसी परेशानी के इस प्रोसेस को पूरा कर सके। इसके अलावा बैंक सीडिंग से ये सुनिश्चित होता है कि राशि सीधे बेनिफिशियर्स के बैंक अकाउंट में जमा हो सके। अब 5 किस्तों में 10,000 रुपए का प्रपोजल है। सरकार के द्वारा ये घोषणा की गई है कि अगले साल से पीएम किसान योजना के अंतर्गत किसानों को एनुअली 10,000 रुपए दिए जाएंगे। इसे 5 किस्तों में बांटा गया है। पहले किसानों को हर 4 महीने में 1 किस्त प्राप्त होती थी लेकिन अब इसे और जल्दी प्राप्त करने की योजना है। इस नए प्रावधान से किसानों को उनकी जरूरतों के अनुसार समय पर धनराशि प्राप्त हो सकेगी जिससे उनके जो भी कृषि से संबंधित काम है किसी भी प्रकार की उनमें रुकावट नहीं आएगी। अब किसानों के लिए पीएम किसान योजना का जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये जो योजना है ये छोटे और मार्जिनल फार्मर्स यानी कि जो सीमांत किसान होते हैं उनके लिए स्पेशली बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। जो अपनी इनकम को बढ़ाना और कृषि में इन्वेस्ट
करना चाहते हैं। इसके तहत मिलने वाली धनराशि से किसान बीज, खाद और दूसरे कृषि से संबंधित मटेरियल्स खरीद सकते हैं। इसके अलावा ये योजना किसानों के लिए एक सुरक्षा जाल के रूप में काम करेगी, जो उन्हें फाइनेंशियल इश्यूज से बचाने के लिए मददगार साबित होगी। योजना का उद्देश्य ये है कि किसानों को आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट बनाया जा सके और उन्हें बेहतर कृषि जीवन का अनुभव प्राप्त हो। पीएम किसान स्कीम के तहत नए अरेंजमेंट्स का जो प्रभाव है उसके बारे में बात कर लेते हैं। हाल ही में इस योजना में जो चेंज किए गए हैं, इसकी वजह से इस योजना का जो संचालन होने वाला है या फिर जो बेनिफिशियर्स के लिए लिस्ट होगी वो और ज्यादा ट्रांसपेरेंट बन जाएगी। अब एक परिवार में केवल एक ही सदस्य को इस योजना का लाभ मिलेगा, जिससे योजना में और ज्यादा निष्पक्षता लाई जा सकेगी। ये कदम सरकार के द्वारा इस योजना के एफिशिएंट एग्जीक्यूशन को दिखाता है। पीएम किसान योजना के सारे के सारे जो भी बेनिफिशियर्स हैं, उनको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी EKYC, लैंड सीडिंग और बैंक सीडिंग समय पर पूरी हो चुकी है। इसके अलावा जो नए किसान हैं जो पहली बार इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें सारे के सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को तैयार करना चाहिए। सरकार ने इन सारी प्रोसेस को ऑनलाइन कर दिया है ताकि कोई भी असुविधा से बचा जा सके। इस योजना के जो भी बेनिफिशियर्स हैं, उनको रेगुलरली अपनी जानकारी अपडेट करते रहना चाहिए और किसी भी टाइम समस्या का समाधान तुरंत पाने की कोशिश करनी चाहिए। तो गाइस, इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, इसके माध्यम से सरकार का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को फाइनेंशियली सहायता प्रदान करके उनकी आय में वृद्धि करना है। इस योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता से किसान न केवल अपनी खेती में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बल्कि उनकी जीवन में स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी भी आती है। 19वीं किस्त की जो डेट है उसके रिकॉर्डिंग ये जानकारी प्राप्त करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सरकार समय पर किसानों के खातों में जो भी अमाउंट है वो जमा करने के लिए कमिटेड है।